सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत। ऋतिक ने क्यों बताया अपने आप को किंग? ऋतिक के फैंस के लिए क्या है खुशखबरी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने 21 साल पहले आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस मौके को अपने प्रशंसकों के लिए और खास बनाने के लिए ऋतिक रोशन ने पिछले साल अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ ही ऋतिक ने खुद को किंग भी बता डाला है। दरअसल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में ऋतिक रोशन अपने बेटे हेहान और रिदान के साथ साइकिल की सवारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कैप पर लिखा हुआ है द किंग। ऋतिक रोशन ने इसके कैप्शन में हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा है #daddycool, जबकि स्क्रीन पर हाई ऑन लव लिखा नजर आ रहा है। ऋतिक रोशन की इस डेब्यू फिल्म को उनके पिता राकेश रोशन ने निर्देशित किया था, जिसमें अभिनेता के विपरीत अमीषा पटेल को कास्ट किया गया था। आपको बता दें, हाल ही में ऋतिक ने पिछले साल ही 10 जनवरी को अपने जन्मदिन पर अपनी अगली फिल्म फाइटर का ऐलान किया था, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ काम करते नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के निर्देशक हैं, जिन्होंने साल 2019 में आई ऋतिक की हिट फिल्म वॉर बनाई थी। आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। हाल ही में दीपिका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी थी। दीपिका ने फिल्म का छोटा सा टीजर रिलीज करते हुए बताया कि अनिल कपूर भी इस का हिस्सा होंगे। फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज होगी, वो भी नजदीकी सिनेमा घरों में। आपको बता दें, हिस्टोरिक फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद अब दीपिका पादुकोण एक्शन फिल्मों की तरह अपना रुख कर रही हैं। पठान में तो उनका एक्शन देखने को मिलेगा ही, साथ ही वो ऋतिक रोशन संग भी फिल्म फाइटर में एक्शन करती नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने संभाला है। कुछ दिनों पहले दीपिका और ऋतिक का एक क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर के लिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।